शी रीच द डैश ऑफ हर कैरियर विद हर फोर्थ नावल विच वन द सितारा इम्तियाज़। अगर उसको उसके फोर्थ नावल पर सितारा इम्तियाज़ मिल रहा है, इसका मतलब है वो अपने कैरियर के हाइएस्ट पॉइंट पर होगी, या कम अज़ कम जो ना पीक ना हो तो हायर पॉइंट ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हायर के मीनिंग आने चाहिए या पीक के मीनिंग आने चाहिए। हारबिंगर नहीं हो सकता किसी वाक्य के होने की इतला देने वाला। नो एपोजी, यस ये पॉसिबल है। हाइएस्ट और फारदेस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट वो अपने कैरियर के हाइएस्ट पॉइंट पे होगी चौथे नावल पे, जिसने सितारा इम्तियाज़ वन किया, इसलिए ये पॉसिबल वर्ड है। मेटामॉर्फोसिस शक्लें बदलने वाला, ये नहीं हो सकता। डिक्टम फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट नहीं हो सकता, सेंथेसिस भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है अपॉजी। शी रीच द अपॉजी ऑफ हर कैरियर, हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंची विद हर फोर्थ नॉवेल। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।